Punjabi. Does Jimmy Shergill do nahi abhi? Is saal mein ek special appearance wali aayi hai meri abhi de de pyar de aur abhi ye film aa rahi hai. To under production to bahut sari chal rahi hai. Lekin abhi tak aur kaun si hai? To on a normal scale. The thing is that aap ek डेढ़ साल लगातार you working on films or 3-4 or whatever and then all of a sudden they all start releasing this thing but fikr mat karo khatam ho rahi hai. नहीं मेरे को लगता है कि नई वाली शुरू एक नया दौर भी शुरू हो जाएगा. ठाकुरगंज फिल्म का नाम है. जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो मुझे लगा इसमें म्यूजिक कैसे आएगा, म्यूजिक क्या आएगा. ठाकुरगंज मतलब गोली वोली चल सकती है, ठाकुरों का गंज है ये. संगीत कहाँ से आएगा तो उसमें मैं लगा हुआ था कहानी में. उसके बाद में ये है कि म्यूजिक मिजाज का आना चाहिए. जैसे दबंग है उसका एक म्यूजिक है, उसका एक टोन है म्यूजिक का. तो ठाकुरगंज में मिजाज कैसे आए क्या है, तो मेरे मन में ये आया कि अगर साजिद भाई इस फिल्म को करेंगे तो बात बन जाएगी. तो उसके बाद मैंने अपना ये विचार रखा क्योंकि एक फिल्म थी जिसका एक बजट होता है. लेकिन हमारी इस बात को ना अपना रखा हमारे प्रोड्यूसर्स ने. और उसके बाद फिर हम साजिद भाई को मिले और उसके बाद में फिर हमने म्यूजिक पे काम किया. और मैं कह सकता हूँ कि हमारा कॉम्बिनेशन जो दबंग का है, आपसी कॉम्बिनेशन जो हमारा भाइयों के साथ, वो इसमें खिल के आएगा क्योंकि एक बहुत ही शानदार म्यूजिक दिया है इन लोगों ने. मैं चाहूँगा आप लोग तालियां जरा बजाएं इस बात को लेके, क्योंकि आज की म्यूजिक के जिस तरह का म्यूजिक बन रहा है उस म्यूजिक में बीच में एक अच्छी पहचान वाला म्यूजिक जो है वो इस फिल्म का हम कह सकते हैं. होली का एक बेहतरीन गाना है जो आपके लबों पे चढ़ेगा और उसमें मस्ती से नाचेंगे. और रोमांटिक नंबर जो दिया है साहिद भाई ने वो मतलब अपने आप में बहुत ही नया है. तो मैं शुभकामनाएं दूंगा और बहुत मेहनत आपसे कराई है प्रिंस ने इसके. आप भी कुछ शब्द बोले वाजिद भाई. मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं बहुत खुश हूँ. एक्चुअली फिल्म जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है बिकॉज सब लोग आप में बिलीव करते हैं और दे कम टू यू विद सम एक्सपेक्टेशंस. एंड पंडित जी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लवली काइंड वर्ड्स. एंड ज़रूरत नहीं थी वैसे, आप तो तारीफ करते ही रहते. मुझे पता था आप मुझे घेर के लाओगे. नहीं मैं एक्चुअली अजय भाई की और प्रिंस की, मनोज जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इन सब की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. बिकॉज एक हर आदमी अपना माइंडसेट लेके आता है सेट पे और कैसे गाना करना चाहिए, क्या करना चाहिए. लेकिन इन लोगों ने बहुत फ्रीडम दी, बजट वाइज भी और फ्रीडम वाइज भी, कंपोजिशन वाइज भी. जो इनको लगा इन्होंने बहुत सभ्यता से बड़ा मज़े ले लेके काम किया. हमने बल्कि बड़े खान पान दान सब कुछ हुआ है हमारे स्टूडियो के अंदर. वी रियली एंजॉयड बेसिकली वर्किंग ऑन दिस एंड आई डिड द बैकग्राउंड फॉर दिस फिल्म ऑल्सो. सो आई हैव सीन आपका पूरी फिल्म देखी है तो आपके कैरेक्टर्स पूरे खिल के आए और उनको बहुत सजाया है मैंने. सो यू गाइज आर ऑसम इन द फिल्म. आई मस्ट से वन थिंग दैट फैमिली ऑफ ठाकुरगंज इज़ अ फुल बुके ऑफ फ्लावर्स और उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत अच्छी लिखी गई है फिल्म. फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये फिल्म भी आपकी रिलीज हो गई तो मतलब इससे पहले जितनी हिट फिल्में मैंने लिखी हैं वो 6-7 घंटे में ही सारी लिखी हैं. नहीं जो सिमट के आई हैं लेकिन हिट हुई हैं. इसके साथ भी ऐसा ही होगा. मेरे लिए ये फिल्म ना थोड़ी अलग है बाकी फिल्मों से. वो इसलिए है कि इस फिल्म की शुरुआत ना मुझसे हुई. मैंने पहले कहानी अजय जी को सुनाई. अजय जी ने जब यहाँ शुरुआत की मेरा मिलना हुआ और कहानी के बेस पे ही आगे बढ़े. ठीक है, इसमें ये था कि हमें कहानी के साथ जो चीज़ें थी वो सब चाहिए थी. एक तो बहुत सारे एक्टर इसमें थे और सब जुड़ते चले गए और पीछे ये हमारे रहे. और दूसरा है कि प्रिंस ने जब यहाँ पर ये अपनी सब जिम्मेदारी संभाली तो प्रिंस के साथ मेरा ऐसा एक तालमेल बैठा. तो मैंने देखा कि प्रिंस के अंदर भी एक बड़ी लगन है कि यहाँ पर जमना है, खड़ा होना है और पीछे छोटे पापा इनको सपोर्ट कर रहे हैं. तो मेरे लिए जो ये फीलिंग्स थी, जो केमिस्ट्री थी चाचा भतीजे की, इसने एज ए राइटर मुझे बड़ा जोड़ा. तो मैं प्रोजेक्ट में ना राइटिंग के अलावा भी लगा रहा. अब मैं अपनी खुशी की बात करूँ, मेरे लिए था कि जब कोई व्यापारी या किसी और क्षेत्र का सफल व्यक्ति फिल्मों में आता है एज ए प्रोड्यूसर और वो शिद्दत से दिल से इस कार्य को करना चाहता है हम सबको जोड़ के, तो ऐसे फिल्म कर्मी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे केयर करूं ताकि एक अच्छा निर्माता हमारे बीच स्थापित हो और अच्छे काम करे वो. ऐसी भावना मेरी इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई थी. दूसरा मुझे लाभ ये हुआ कि बहुत सारे एक्टर इस फिल्म में हैं जिन्हें मैं बहुत मतलब पसंद करता हूँ, वो मेरे बड़े चहेते हैं. लेकिन उन सबके साथ काम करने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला. इस फिल्म में बहुत सारे प्यारे सभी लोग जिनको मैं बहुत चाहता हूँ, लाइक जिमी वगैरह और सब, पवन जी मेरे बगल में खड़े हैं. मैं एक भाषा का राइटर हूँ और इसमें भाषा है
और जितने एक्टरों ने अपने किरदार परफॉर्म किए हैं, भाषा के साथ इतना बेहतरीन काम किया है, मैं सबको अलग अलग से क्या सबको सामूहिक तौर पे शुभकामनाएं दूंगा। और जयंती लाल जी का जुड़ना हमारे लिए बड़ा शगुन हुआ, जयंती लाल जी आए तो मेरा एक मनोबल बढ़ा और इसी उससे हमने चीज़ें बनाई हैं। बाकी अब देखते हैं दर्शक कैसे लेते हैं। सबको मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।